सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में हैं। वहीं अब इंदौर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश सिंह यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की है। दरअसल इंदौर में कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने इस आशय का खुला पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा है, जिसमें उल्लेख है कि देश की जनता की समस्या का निवारण यह बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा दोनों संत चुटकियों में कर रहे हैं। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने अपने इस अनूठे पत्र में उल्लेख किया है कि बीते 18 साल से शिवराज सरकार जो विकास कार्य और जन समस्या का निवारण नहीं कर पाई है, वह इन संतों द्वारा किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश की लाखों लाख जनता को भी इनके चमत्कार पर ही भरोसा है। ऐसी स्थिति में पंडित प्रदीप मिश्रा कुबेरेश्वर धाम एवं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम को विशेष प्रावधानों का उपयोग करते हुए जन समस्या निवारण मंत्रालय और दूसरों को धार्मिक समस्या निवारण मंत्रालय बनाकर दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर कैबिनेट मंत्री बना देना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 वर्षों से अपनी कैबिनेट के साथ मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। 18-18 घंटे काम करते हैं, 40-40 मंत्री हैं, लेकिन फिर भी लोगों की समस्या हल नहीं हो रही है। अब दो महारातियों का मध्य प्रदेश में आगमन हुआ है, एक पंडित प्रदीप मिश्रा और दूसरे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। ये ऐतिहासिक पुरुष हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन कराया कि इन दोनों को कैबिनेट मंत्री एक विशेष संविधान में 164 धारा है उसके अंतर्गत 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, और अभी भी 6 महीने बाद चुनाव है, उनको मंत्री पद दिया जाए, एक को समस्या निवारण मंत्रालय दिया जाए, दूसरे को धार्मिक समस्या निवारण मंत्रालय दिया जाए। इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा तो रुद्राक्ष के माध्यम से सारी समस्या का अंत कर रहे हैं, 46 लाख रुद्राक्ष बांट रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है उनको 7.5 करोड़ रुद्राक्ष दिए जाएं, अभिमंत्रित किए जाएं, राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को बंटवाए जाएं, गरीब सुखी हो जाएंगे, कर्जा चुक जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बच्चे पढ़ने में तेज हो जाएंगे, सारी समस्याओं का अंत होगा, नफरत समाप्त होगी, लोगों में भाईचारा बढ़ेगा। इससे अच्छा काम क्या हो सकता, सरकार भी यही चाहती है कि ये काम हो जो कर नहीं पा रही 18 साल से। वैसे दूसरे जो पंडित हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो इनसे भी आगे हैं, वो पर्चा लिखकर भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। 35 लाख बेरोजगार हैं, उनको वहाँ बुलाया जाए, उनसे पर्चा लिखवाया जाए, इनका भविष्य बनाया जाए, मध्य प्रदेश को बेरोजगार मुक्त किया जाए। तो ऐसे अद्भुत पंडित अगर हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद हैं तो सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों इन 40 मंत्रियों को पाल रही है? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो सिर्फ कथा कराते हैं और भजन में जाते हैं और हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं। तो योग्य तो हमारे ये दोनों पंडित हैं, इनको बनाना चाहिए और मध्य प्रदेश का विकास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।